ये जिला सीतापुर है ये भैया, जिला सीतापुर ग्राम सभा सहरोई। क्यों नहीं? यहाँ के जाने माने जमींदार साहब बाबू बलवंत सिंह आने वाले हैं। हाँ भैया, हमारी आपकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी पर हम दोनों भाई तैयार हैं। जी भैया, क्योंकि भैया ड्यूटी ड्यूटी होती है। बिल्कुल, आइए भैया। चलिए भैया। सरकार संतोष संतोष बाबू साहब जय गोपाल संतोष। जी बाबू साहब, मैंने कि तुम लोग मुझे जानते हो। जी मालिक। कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है। जी मालिक। लेकिन आई हुई जनता हमारे बारे में कुछ नहीं जानती। बिल्कुल नहीं सरकार। इसलिए तुम लोग इस जनता के बीच में मेरा परिचय बताओ, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरा क्या नाम है। सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात मालिक, आपके सामने हम दोनों भाई ना आपका कभी लिए हैं और ना लेने की हिम्मत है सरकार। क्या कहा तूने? सरकार, हमारा चाबुक लाओ। ठीक है, सारे लातों के बहुत बातों से नहीं माना करते। क्या कर रहे हो? हेला लिया? हेला नहीं साले, ढाकाल लहरा के। मैं जब चिट्ठी से बुलाऊं मेरी आवाज निकल जाएगी। तुम लोग यहाँ पहुंचाओ, अगर नहीं पहुंचे तो साले खाल खींच के भूसा बना दूंगा। जी मालिक। मिट्टी में मिला दूंगा। अगर ऐसा किया तो ठाकुर ने का मकान भाई क्या उड़ा के मारूंगा सारे। तुम क्या समझते हो? और सुन मेरी बात। जी सरकार। मेरा छोटा भाई मालिक जसवंत इस वक्त शिकार करने गया है। जी मालिक। और एक जिला सीतापुर में मेरे नाम का सिक्का बोलता है। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल। मेरे नाम का सिक्का चलता है। जी मालिक। मेरा लामा एक सीतापुर में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। किसी की हिम्मत नहीं है सरकार। अगर कोई पंगा लिया राम कसम मिट्टी में मिला दूंगा, उड़ा के मारूंगा सालों को। जी सरकार। मेरे भाई के आने के पहले मेरे लिए शराब की बोतल लेके आओ। जैसा आदेश। जल्दी जाओ। आप तस्वीर रखिए। बैठिए सरकार। भैया। हाँ भाई। लंबरदार बहुत गुस्से में है। बहुत गुस्सा में है भाई। दारू मंगा रहे हैं। तो कौन दारू लो भैया? कौन दारू? जाओ यार लेके जल्दी जाओ। चला जाए वह सौची वाली लेता ही। साले आराम से बोलो, सौची नहीं सौपी शराब है। सौची शराब। जाओ जल्दी। सरकार ले आ बे। थाना। थाना नहीं साले अदालत। क्या थाना बे? थाना क्या है? कहा काजी साहब? थामो। हाँ थामो। मिजरवा। सरकार। तू जाति का ब्राह्मण है। क्यों नहीं? लेकिन आज तुझे मैं अपनी हवेली पे हाँ शराब का प्याला दूंगा। साहब हमको पिए परे।
ग्लास बाहर कर। इधर आ बे। और याद रखो। हाँ लमरदार। मेरे भाई के आने के पहले। हाँ लमरदार। यहाँ से शराब के बोक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। शराब की बोतल या कोई प्रूफ यहाँ नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा। ठीक है। लो भैया। सरकार आप कहमा ले हैं। मैं ऐसे ही पीऊंगा। हाँ रख दो। सुनो लमरदार, काली शराब काली खटा, पी जा शराब बोतल हटा। लमरदार एक कप पी ली। आप पियो। हाँ पहले आप पिए हैं। आप पिए हम कब पिए समझ। बहुत अच्छी शराब है रे। त्रि अक्षरम लम्बादार उतर दिया। और दे? अबे साले नशे में तो नहीं हो जाएगा। अरे लम्बादार ढेर दिन बाद पिया हुआ था। बजरवा तो ब्राह्मण है इसलिए मैं तेरे ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलो। अरे पंडित जी मेरे मरने के बाद। आपके मरने के बाद। पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना मेरे मुंह में गंगा जल की जगह। सदियों पुराने मैखाने से थोड़ी मिट्टी मंगा लेना। उस मिट्टी को समझ के चंदन। उस मिट्टी को समझ के चंदन माथे तिलक लगा लेना। बोल। किसी की आवाज आ रही है। सरकार ये जसवंत की आठ है। पकड़ से। मुझे तो नशा हो गई। बाबू मेरे नस चढ़ गई। बाबू नस चढ़ गई। मेरे भाई का बाबू उतर गई। बाबू उतर गई। बाबू उतर गई। उतर नहीं। नंबरदार थोड़ी से और दे दो। बस उतर गई। क्या बे? चपास गरम, चपास गरम। क्या चपास गरम बे? हाँ आओ पिलाओ। साले पिलाओ। थोड़ा इसको। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। इसको ले जाओ। कोई आ रहा है। कानो कान उसको हाथ ना मिले। बिल्कुल नहीं, लम्बरदार। हैं? बिल्कुल सतर्क। क्या नाम है? संतोष। संतोष बड़े भैया हवेली में हाँ बैठे हैं। बैठे हैं?
हाँ लंबर जा ठीक है चश्मा देखो बड़े भैया से पूछो जाकर कि आपके छोटे भाई मिलना चाहते हैं जी सरकार लंबरदार आपके छोटे भाई आपसे मिलना चाहते हैं उनको आने दिया जाए छोटे लंबरदार बड़े लंबरदार का आदेश है कि आप आइए अंदर मेरे छोटे कुमार जसवंत बड़े भैया क्या बात है आज तुम उदासी चेहरे से यहां आए हो बड़े भैया मैं कुछ कहना चाहता क्या कहना चाहता हो बड़े भैया मैं सोचता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं और छत्री का सम्मान सम्मान होता है और चरण कमल में आपके भ्रात झुकाए चरण कमल में आपके आशीष दो खुश रखे तो ये बात है मेरे छोटे कुमार की अभिलाषा है कि इनको मैं आशीष दूं ऊपर वाला भी इनको खुश रखे जुग भाई अरे तुम जियो और रहो सदा कुछ जुग जुग भाई अरे तुम जियो और रहो सदा कुछ अरे जग में सूरज की तरह चमको मेरे जग में सूरज हर की तरह चमको मेरे अरे यही आपसे बस यही आपसे बस अरे मुझे है बताना यही आपसे बस मुझे है बताना बताना यही आपसे आपसे कुछ कहना चाहता हूं क्या कहना चाहते हो कुमार बोलो बड़े भैया इज्जत बड़े भैया हाँ बोले बड़े भैया इजाजत अगर आज पाऊं बड़े भैया
जसवंत, अगर आपकी याद है तो मैं इस वक्त बाजार जा रहा हूँ। जसवंत, आज मेरे कुछ खास दोस्त आने वाले हैं, तो इसलिए उनके लिए कुछ मिठाइयाँ लाना। बड़े भैया, आपके दोस्त हैं तो हमारे दोस्त हैं, क्यों नहीं, अच्छी से अच्छी मिठाइयाँ हम लाएंगे। हाँ, इसलिए कि उनकी स्वागत में कोई भी कमी नहीं ना महसूस हो। भैया, नौकर, एक थैला ले आओ और जसवंत के साथ तुम बाजार जाओ। जैसा है समझदार। और एक चीज ध्यान रखना कि रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। नहीं लम्बरदार, मैं हूं ना। कोई दंगा फसाद, कोई लड़ाई झगड़ा, जब तक मैं रहूंगा लम्बरदार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, तैयारी बनाता हूँ उनकी। बड़े भैया, आपने क्या कहा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हाँ बड़े भैया, इस शरीर में छत्री का खून दौड़ रहा है। बड़े भैया, ये मेरा दावा है कि ये सर कट सकता है, ये सर कट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। सर झुकाऊं काल से हरगिज नहीं फरमान है, आपकी इजाजत पाऊं बाजार का अरमान। तो ठीक है, तुम जाओ बाजार, लेकिन मेरी नसीहत भूलना नहीं, ठीक है? बड़े भैया, नौकर मित्रा, सरकार, मेरे साथ चलो, एक थैले का प्रबंध करो। जी मालिक, बाकी काम में देख लेता हूँ। ठीक है सरकार। और रुपया खादे से रखना, ये तो रहे सामान के। ओके, ठीक है, ठीक है सर। ये तुम दोनों के लिए, खाने पीने नाश्ते के लिए। बड़े भैया, हाँ बोलो। 500 रुपए में आजकल होता क्या है? लो, अब होगा। बहुत आज खाती। बड़े भाई, मेरा खर्च जानते हैं। मित्रा, हमारा जानता है। मित्रा, ये मालिक, तुम मेरे साथ चलो। चलिए सरकार। तुमको जो जरूरत होगी मैं पूरी करूंगा। आप तो खुद हैं मेरे। बड़े भैया, एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ, क्या बात है, बोलो। इस संतोषवा को समझा दो। क्या बात? ये जब बाजार जाता है, हाँ, ये बच्चों की चीज खाता है। मैं समझा नहीं। कहीं चाट खाता है, कहीं पानी पूरी खाता है। ओ, कर इधर आओ। आला मर्दार, ये बच्चों वाला सामान खाना बंद कर दो। वह चाट ज्यादा चाटी था। इसको लोग क्या कहते मालूम है? चटुआ। आदत पड़ गया। जो चटोरपन करता है उसके जेब में एक पैसा बचता नहीं कभी। और ज्यादा कुछ नहीं खाया तो वह 4-10 रुपये की चाट। लेकिन चाट मत खाया करो, ठीक है? उसके बदले कलाकंद खाया करो। कलाकंद, ठीक है? ठीक है लम्बरदार, ठीक है बड़े। और तुम यार संतोष, लम्बरदार, सोचने की बात है कि आज काफी दिन बाद, आज हम बड़े चिंता में ही लम्बरदार। बड़के भैया, आपका बाजार जाए कि ज्यादा दही देन कांच कहे बड़े। नहीं, मैं अकेला जाता हूँ सामान लाने के लिए। देखिए बड़े भैया, बहुत दयालु है। बहुत दयालु हैं भैया, बहुत दयालु। कोई गरीब आदमी आता है, कहता है कि बाबू साहब हम खाने पीने के लिए परेशान हैं। हाँ हाँ, तो उसकी मदद करते हैं। अरे भाई, कई बार हम को दे 1500 का जोड़ोबन है अपने हिसाब में। हम सोचे तनख्वाह में काट ली है, लेकिन काटे नहीं गए। अरे ले जाओ संतोष, खाओ पियो मौज करो। संतोष, हाँ, बाजार जाने के पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ यार। हमसे? जी हाँ। आखिर हमारे अंदर कौन सी ऐसी बात है जो लम्बरदार हमसे कहना चाहते हैं? हमारे, तुम मेरे साथ रहते हो। हाँ हाँ, मैं तुमसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? ये तो बात ठीक है, कहिए लम्बरदार, मैं सुनूंगा भी। और किसी दिल पे छाने को दिल चाहता है, ta
की बात समझा? मैं समझ गया, समझ गया। मुझे क्या चाहिए? कली। फूल की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे कली चाहिए। बहुत दिन फूल देखा, अब फूल मुरझाए गए। फूल की जरूरत नहीं, मुझे कली चाहिए। कली मैं बाजार चल रहा हूँ और कली ढूंढूंगा, मुझे कली कहाँ मिलेगी। चलिए आओ मेरे साथ। चलो।